अगर आपकी वेबसाइट है और आप बहुत कंफ्यूज हैं कौन से कीवर्ड्स आपके बिजनेस के लिए राइट हैं, कौन से कीवर्ड्स आपके बिजनेस के लिए रिजल्ट्स लेकर आएंगे, तो कैसे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, किन तरीकों का आप यूज कर सकते हैं ताकि आप एक बेस्ट कीवर्ड लिस्ट निकाल पाए, उसको फाइनलाइज कर पाए अपनी वेबसाइट के लिए जो कि रिजल्ट लेकर आएगी आपके लिए। तो दोस्तों कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अपने कीवर्ड्स के लिए अपनी वेबसाइट के लिए ए टू जेड प्रैक्टिकली अच्छे से सिखाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कीवर्ड्स का होता है, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो बताइएगा और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो या अपकमिंग नए कोर्सेज मिस ना करें। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए मल्टीपल स्किल्स जो कि न्यू ट्रेंडिंग और एडवांस स्किल्स हैं, हाई इनकम स्किल्स हैं विथ सर्टिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और अपनी लर्निंग अर्निंग की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एसईओ कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट। आपको कीवर्ड्स के आइडियाज को कैसे ज्यादा से ज्यादा फाउंड आउट करना है जिससे कि आप बहुत अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सके। तो जानते हैं वन बाय वन वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से, या वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं अपने वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल के लिए। तो जो सबसे पहला पर्पस है या जो सबसे पहला तरीका है आपका, अगर कोई भी ब्लॉग है वेबसाइट है, आपको अपने वेबसाइट का निच और उसका ऑब्जेक्टिव समझना होगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो जब भी आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका निच या टॉपिक किस से रिलेटेड है, उसका पर्पस क्या है। अगर आप ये इजीली समझ पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी मेन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट होगा, निच होगा, वो आप है ना इजीली आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इस वेबसाइट का पर्टिकुलर वेबसाइट का मेन थीम क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। अगर कोई इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है या साइट है तो वो कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, अगर लेट सपोज आपकी कोई वेबसाइट है जो ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करती है, तो स्किन केयर के बारे में तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये वेबसाइट ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया लेना होगा। सेंट्रल आइडिया लाइक कि आपको राइट डाउन करना है सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ योर वेबसाइट। जो भी आपकी वेबसाइट है वो किस निच के अराउंड है, या कोर थीम क्या है उस वेबसाइट की, कोर आइडिया क्या है उस वेबसाइट के बारे में। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, इससे पहले हमने देखा था एग्जाम्पल में कि जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया आपको मिल गया है कि एग्जाम्पल के लिए आपको एक वेबसाइट मिली जिसका सेंट्रल आइडिया है ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपको जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है उसके अकॉर्डिंग आपको और सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है मेन कीवर्ड्स को लाइक। आपको यहाँ पे जो भी और कैटेगरीज हैं उस निच में या स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कौन कौन से वो हो सकते हैं, जैसे कि क्लींजर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सीरम हो गया, सनस्क्रीन हो गया, एंटी एजिंग हो गई। तो आपका जो भी मेन कीवर्ड है, थीम है उस वेबसाइट की, तो उसके कुछ सब कैटेगरीज आपको बनाने पड़ेंगे, उसके सब आइडियाज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इस वेबसाइट की मेन थीम के अलावा और भी कौन से सब कैटेगरीज हैं या कैटेगरीज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी होंगी। अब आपको जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनकी आपको सब कैटेगरीज भी बनानी होंगी। जो भी आपकी ब्रॉड कैटेगरी है लाइक क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन, एंटी एजिंग, तो उससे रिलेटेड अब आपको सब कीवर्ड वाले
फोकस करना होंगे टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं क्लींजर कैटेगरी एज अ एग्जांपल। तो फेशियल क्लींजर, बॉडी क्लींजर, एक्ने क्लींजर, नेचुरल क्लींजर, सेंसिटिव स्किन क्लींजर, तो ये जो मेन हमारी कैटेगरी थी क्लींजर, उसकी भी हमने सब कैटेगराइज कर लिया कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब आपने जो आपकी कैटेगरी को आपने एक्सपेंड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको जनरेट कीवर्ड वेरिएशन पे फोकस करना है। जनरेट कीवर्ड वेरिएशन का मतलब है कि आपको अब वो जो भी आपके सब कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स थे, उनको अब आप टूल, जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल है लाइक सैम रस, AHRF, गूगल कीवर्ड प्लानर, जो भी टूल है, अब आपको क्या करना है कि जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल है लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, सैम रस, AHRF, ओवर सजेस्ट, वहां पे जाके आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है फेशियल क्लींजर, आपको है ना वहां पे सर्च करना है, और उसके बाद कुछ रिजल्ट आएंगे लाइक ऑर्गेनिक फेशियल क्लींजर, जेंटल फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन, बेस्ट नेचुरल क्लींजर फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो जो भी कीवर्ड्स के आइडियाज कीवर्ड रिसर्च टूल आपको दिखाएगा, आपको ये वो नोट डाउन कर लेने हैं, और उसके साथ साथ आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे भी फोकस करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप फोकस करोगे तो आपका है ना ब्लॉग रैंक होने के जल्दी चांसेस होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करते हैं एंटी एजिंग के बारे में, तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकता है एंटी एजिंग के बारे में, ऑर्गेनिक एंटी एजिंग सीरम विद हाइरोलिक एसिड, या बेगन रिंकल क्रीम फॉर मैच्योर स्किन। तो इस तरीके कीवर्ड आप है ना आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फोकस करने होंगे। अब कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट कर लिए, इसके साथ आपको यह भी फाइंड आउट करना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस टाइप का कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। तो ये आप रिसर्च कर सकते हो, आप गूगल पे जाके कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड डालोगे और जो कीवर्ड वहां पे रैंक कर रही है जो अदर वेबसाइट्स, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। अब आपको एनालाइज करना है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर रैंकिंग कर रहे हैं तो उन्होंने किस टाइप का कंटेंट लिखा है, उससे आपको उनका कंटेंट लिखने का तरीका पता लगेगा और उन्होंने किस टाइप के कीवर्ड की को यूज करा है, प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका लेट सपोज कोई लोकल बिजनेस है या लोकल ऐसा कुछ बिजनेस है जो लोकली आप है ना ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, लोकल बेस्ड भी, लोकल एसईओ करना होगा, लोकल बेस्ड भी आपको फोकस करना होगा। सो अगर आपकी वेबसाइट है कोई लोकली सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपको लोकेशन बेस्ड कीवर्ड पे भी फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्किन केयर प्रोडक्ट रिलेटेड है या स्किन केयर कोई क्लिनिक है, तो आप है ना सर्च कर सकते हैं ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन दिल्ली करके, आप है ना आपको इस टाइप के कीवर्ड्स पे भी ब्लॉग और कंटेंट लिखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा आप लोकली भी रैंक कर पाओगे। इसके अलावा आपको ये भी फोकस करना है कि आप जो भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है और उसका कंपटीशन लेवल क्या है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ फोकस उन कीवर्ड पे करना है जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो और कंपटीशन कम से कम हो। अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होगा और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम होगी, तो क्या होगा आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी और बहुत अच्छा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट गेन करेगी। तो जो भी आपको कीवर्ड है आपको एक फाइनलाइज कर लेने गूगल सीट पे या कीवर्ड प्लानर पे, और वहां पे आपको मैनेज करना है कि आपको प्लान करना है कि कौन से कीवर्ड आप पहले लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटिशन लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटी। आपको फाइंड आउट करने हैं अपने ब्लॉग के लिए, प्रोडक्ट के लिए, पोस्ट के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन आपको लिख लेना है उन कीवर्ड्स का, और जो भी कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट लिखते हो उनको आपको ऑप्टिमाइज करना है प्रॉपर
डिस्क्रिप्शन लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल लिखना है, और उनमें आपका जो भी है ना मेन कीवर्ड होना चाहिए। तो ये थे तरीके कि आपको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करने हैं एसईओ कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप सच में बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और आपकी वेबसाइट भी रैंक होगी बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडाज।